जय हिंद, राम राम। एक छोटी सी चीज़ तुम लोगों को समझाते हैं कि जिन लोगों को भी ये दिक्कत है कि मतलब सब छोड़ के जा रहे हैं, जब हम पढ़ाई की अक्सर होता है, तैयारी करते हो तो कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि तुम उनको टाइम नहीं दे रहे होते हो। क्योंकि कोई भी रिश्ता हो यार, कोई भी रिलेशनशिप हो, यू हैव टू गिव सम टाइम। ठीक है, उस रिश्ते में थोड़ा बहुत टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। और आजकल जब तुम किसी बड़े एम पे काम कर रहे होते हो, मान लो तुम यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि तुम किसी को पर्सनली कुछ टाइम दो जाके, ये नहीं होता है टाइम। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ लोगों को या सबको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि जब भी तुम्हें लगे कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, खुश हो जाओ। ठीक है, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है, खुश हो जाओ। ये जितने छोड़ के जा रहे हैं, ये ब्याज समेत 2-3 लोगों को और लेके आएंगे वापस। क्योंकि क्या होता है, जब तुमने सिलेक्शन देखा है ना, जब सिलेक्शन होता है, पीडीएफ में तुम्हारा नाम होता है, तो वो रिलेटिव आते हैं तुम्हारे पास जिनको तुम्हारा नाम तक नहीं पता होगा। वो रिलेटिव भी आ जाते हैं जिनको तुम्हारा नाम नहीं पता होता है, वो भी वापस आते हैं, ये देखा है ना तुमने। तो उनके वापस आने के लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। तुम्हें दुनिया की चिंता छोड़नी पड़ेगी कि कौन तुमसे बात कर रहा है, कौन तुम्हें गाली दे रहा है, कौन तुमसे गुस्सा हो रहा है। ये सब फालतू चीजें हैं, ये टाइम के साथ बदलती हैं। आज तुम्हारा टाइम अच्छा है इसलिए बातें हो रही, कल अच्छा होगा, आज अच्छा नहीं है इसलिए बातें हो रही, कल अच्छा होगा तो सब तुम्हारी तरफ बोलने लगेंगे। जिसकी सरकार बनती देखते उसी की वाहवाही हो जाती, तो वो बहुत बड़ी डील नहीं है। तो तुम लोग भी अगर जो लोग भी ये सोच के डर रहे हो कि कोई छोड़ के जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मत डरो, सिर्फ अपना काम करो। सीधी बात हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ अपना काम करो, जो जा रहा है वो सब वापस आ जाएंगे। और यकीन मानो, हम बता रहे हैं ना, एक आदमी गया है, एक स्त्री गई है, कोई भी गया है, वो पूरे मोहल्ले को लेके आएगा तुम्हारे पास कि ये देखो, ये मेरा जानने वाला है, तो वो मज़ा अलग है। लेकिन अगर तुम किसी के पीछे पड़े रहे, वो उतना दूर भागता रहेगा, ये कन्फर्म है। जिसके पीछे तुम जितना जाओगे वो उतना दूर भागता जाएगा। इसलिए किसी के जाने से, आने से, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इससे मत डरो। जा रहा है तो जय जय श्री राम है, आ रहा है तो वेलकम है, खत्म बात। अपने स्पेस में मत घुसने देना, दैट से जहाँ तक तुम्हारा कुछ डिस्टर्ब ना हो तब तक तो ठीक है। जहाँ से तुम्हारी लाइफ में कुछ हिंड्रेंस आ रहा है, फिर खत्म कर दो, फिर जान दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन डरो मत इस चीज़ से कि कोई जा रहा है, कोई जा रहा है जान दो, टाटा बाय बाय बोल दो, अपने काम पे लग जाओ। तुरंत जैसे कोई गया, कुंडी बंद करो, अपने काम पे लग जाओ। यकीन मानो सब वापस आएंगे। क्योंकि देखो, जिस समय तुम्हारे पास पीडीएफ में नाम होगा तुम्हारा, यकीन मानो तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार तुम्हारे पास होंगे जिनके बारे में तुम्हें शायद बचपन से भी ना पता हो। तुम्हारे ऐसे दोस्त निकल के आएंगे जो तुम्हें स्कूल से जानते होंगे, वो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये तुम्हारे पास तक पहुंचे कैसे, लेकिन वो भी पहुंच जाएंगे कि ये देखो, ये मेरे बचपन का दोस्त था, भले बचपन में काम खत्म हो गया हो। तो ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी कि जो भी चीज़ें तुम्हारे पास आ रही है वो तुम्हारी पावर की वजह से आएगी, ये बात ध्यान रखना। पावर या पैसा, दो में से कोई एक चीज़ है तभी तुम्हारे पास कोई रुकेगा, अन्यथा की स्थिति में टाटा बाय बाय। राम राम, जय हिंद।